जब चोरी की बात आती है तब हम भारतीय भी उसमें पीछे नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चोरी के 101 तरीके जिसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। अगर आप एक लड़की या औरत है तो सबसे आखिरी वाली चोरी जरूर देखना, क्योंकि इस चोरी को देखकर आपको एक अच्छा सबक सीखने मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप और ऐसे रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले जो हम वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं उसमें महिला के चोरी करने के हैरतअंगेज तरीके को देखकर आसपास के ज्वेलरी के दुकानदारों के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि चोरी का कुछ ऐसा तरीका इन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये महिला ज्वेलरी खरीदने के बहाने से इस शॉपकीपर के पास आती है और सही मौका देखकर उस आदमी पर क्लोरोफॉर्म का स्प्रे मार देती है, वही क्लोरोफॉर्म जो किसी को भी बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और न जाने क्यों इस क्लोरोफॉर्म का इफेक्ट उस दुकानदार पर नहीं होता है और वो उसी महिला पर फिर से अटैक करता है। आपने इंटरनेट पे ये वायरल वीडियो जरूर देखा होगा जहाँ पर ये महिला चोरी करने के लिए अपने बड़े कपड़ों का इस्तेमाल करती है। अब इस अगली वीडियो में हम आपको ऐसे ही विदेशी फीमेल चोर दिखाने वाले हैं। अब देखिए जरा कैसे ये टीवी से लेकर लैपटॉप जैसी बड़ी बड़ी चीजें अपने कपड़ों के नीचे छुपा लेती है। ये तो इस सीसीटीवी का कमाल है कि ऐसी घटना एक कैमरा में कैद हो गई। और सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि इतने बड़े चीज को अपने कपड़ों के नीचे छुपाना और वहाँ से आसानी से निकल जाना भी बड़ी बात है। आपके इस चोरी के स्किल के बारे में क्या विचार है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे ये महिला इतनी बड़ी चीज को अपने पैरों के बीच रख कर चल भी सकती है। अब हाल ही में हुए इस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को देखकर सभी दुकानदारों को एक नई सीख सीखने मिली। अगर आपकी भी खुद की दुकान है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये दो लड़के इस बूढ़े इंसान से कुछ सामान खरीदने का कहकर उसकी चीजें यहाँ वहाँ बिखेर देते हैं। एक सही मौका आने पर इनमें से एक लड़के ने इस बूढ़े इंसान के सामने कपड़ा बिखेर दिया और बड़ी सफाई से ड्रॉवर में रखे पैसे को निकालकर अपनी जेब में डाल लेता है। सीखने और समझने वाली बात ये है कि ग्राहक चाहे कोई भी हो, अपने गुल्लक को ऐसे खुला छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके पास अपनी खुद की बाइक है और अगर आपको ये डर है कि इस बाइक चोरी होने के चक्कर में आप उसे हैंडल लॉक लगाते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में ये व्यक्ति बाइक चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ पहुँच जाता है। जब उसे ये पता चलता है कि इस बाइक का हैंडल लॉक है तब देखिए वो क्या करता है। ये शख्स पहले तो इस बाइक पर बैठता है और अपने हाथ और पैर की मदद से इस हैंडल को इतनी जोर से मरोड़ता है कि उसका लॉक ही टूट जाता है। अब आप ही सोचिए कि चोर ऐसे चोरी करने लग गए तो हमें कौन सा ऐसा लॉक लगाना पड़ेगा जिससे चोरियां ना हो, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप एक महिला हो या एक लड़की हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये सभी फुटेजेस जो आप देख रहे हो वो हमारे भारत देश की है, जहाँ पर हमें चोरों की हैवानियत देखने मिल जाती है, जिसमें ये किसी भी राह में चल रही लड़की को अपना शिकार बनाते हैं और पलक झपकते ही वो गले में पहने हुए हार या ज्वेलरी को चुरा लेते हैं। इस तरह की चोरी में ना केवल उस ज्वेलरी का नुकसान होता है पर उस औरत को भी चोट आ जाती है। इसलिए अगर आप कभी भी ज्वेलरी पहनकर बाहर निकले तो अपने सावधानी का ख्याल जरूर रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपको एक सीख मिल गई होगी कि किस तरह से हम इन चोरों से सावधानी परखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अलविदा।